क्यों हो? खाना ही तो बना रहा हूँ, ये क्यों पकड़ रखा है तुमने हाथ में? तुम्हें याद है पिछली बार हमारी पूरी की पूरी किचन जल गई थी, तुम्हें याद भी है या भूल चुके हो? आग बुझाओ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी बुझाओ उसे। बेवकूफ हो तुम। मेरी बात सुनो, डरो मत, क्योंकि हम साथ में खाना नहीं बना रहे हैं। चलो उसे वहां रखते हैं। अब छोड़ भी दो उसे। क्या कर रहे हो तुम, ये क्या खुशबू आ रही है? हाँ, क्या इसमें से एक बाइट ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक शाओचे, थोड़ा सा। मत करो, तुम्हारी बॉडी हमारे यहाँ का खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लो। क्या है ये? कैसा है? ये टेस्टी है। मैंने बनाया है। जब मैं अब्रॉड में पढ़ता था, मैं वहाँ खाना नहीं खा पाता था, तो मैंने खुद ही कुक करना सीख लिया और ये भी बनाना। वाओ, टेस्टी है, तुमने कमाल कर दिया। मैं हूँ ही कमाल का। तुम तो कमाल हो ऑफिस भी और कुकिंग भी। अब तो मुझे टेस्ट करके देखना ही होगा कि ये कैसा बना है। मना किया ना? तुम्हें सच में खाना है तो एक काम करो, अगली बार आना, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सच में? फिर तो इस खाने के लिए मुझे लौट कर आना ही होगा। पिंकी प्रॉमिस। अब मोड़ो इसे, देखो ऐसे हो गया है ना, बिल्कुल दिल बन गया ना। दोनों के दोनों बहुत ही ढीले हैं, मैं जाके देखता हूँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर झांग, यहाँ सर फैम है, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। शाओची कहाँ की रहने वाली है किसी को नहीं पता, घर भेजने की बात पे उसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, कुछ बातें शाओची की समझ में नहीं आती। शाओची थोड़ी अजीब है ना? बिल्कुल। तुम्हें पता है, इतनी पतली होकर भी वो एक कंधे से चावल की बोरी उठा सकती है, और एक बार मैं लगभग सीढ़ी से गिरने ही वाली थी, वो उस वक्त किचन में थी लेकिन उसने मुझे ऊपर खींच लिया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा इस बारे में तुम बता पाओगे, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, तुम ही बता सकते हो वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो ऑर्डिनरी लड़की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने फांगलिंग को जीता है। हाँ, ड्रिंक। हाँ, ये तो है, ये तो समझ में आता है। खाना आ गया। हम आ गए। फाइनली आ ही गया। मिस्टर फांग के हाथ का बना खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, समझे?
थैंक यू। चलो तो खाते हैं। एक मिनट रुको, पहले मुझे एक पिक लेने दो। जहर कहाँ है? अरे पिक लेने दो ना, अब तुम्हारी। इधर देखो, अब मिर्चाई। ब्यूटीफुल। अब तुम देखो। क्यों बोर कर रही हो? खाना खाते हैं। मैं तुम्हें कहाँ बोर कर रही हूँ? इधर देखो, पास आओ, जल्दी करो, पास आओ ना। ऐसे देखो, ऐसे करो, इधर करो ना, स्माइल करो ना, प्लीज स्माइल। क्या हो जाता है तुम्हें, स्माइल क्यों नहीं करते? सिर्फ 3 सेकंड्स की तो बात है। ठीक है। 1 1 2 2 3। हमारे सामने बस एक दूसरे को प्यार ही करते रहोगे या डिनर के लिए इनवाइट भी करोगे? मेरा पेट तो भर चुका है। उल्टी मत कर देना। वेट, चीयर्स। चीयर्स। आप क्या कर रही हो? मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ तुम्हारी तरफ से। चले लाइक करते हैं इसको। फांग का पोस्ट नहीं दिख रहा, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। सच में मैं ग्रुप में ऐड हो सकती हूँ? हे भगवान, अब मैं भी मिस्टर फांग के ग्रुप में हूँ। कितना अच्छा हो गया ना। मैं इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन क्यों? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने प्रॉमिस किया है अपनी मेमोरी बैंक के लिए, और इसमें बुराई क्या है? तुम पूरी दुनिया को बता सकते हो अपने प्यार के बारे में। हाँ, इधर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने पोस्ट कर दिया। वाओ भाई, आपने भी कर दिया। चलो चलो, अब खाते हैं। चीयर्स। वो एक बाइट। नहीं, बस एक बाइट। एक बाइट भी नहीं, बस टेस्ट करना है। फांगले। स्पेसशिप आने वाला है कुछ दिनों में। मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद उम्मीद करती हूँ कि उसे तुम पसंद करोगे। नहीं, दोबारा अगर पृथ्वी पर आओ तो अपने जैसी क्यूट सी एक एलियन लेकर आना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सपने देखो, ये देखो। मैंने कुछ गैलेक्सीज को ड्रॉ किया है जो कि इस धरती पर इनविजिबल होती है, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए। देखो कैसी है, पसंद आई? शाओची, तुम मेरे दिमाग पढ़ सकती हो? शाओची, मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता, बताओ मैं क्या करूं? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फंगले, कैसा हक किया शाओची को? भाई, एक मिनट के लिए शाओची को पकड़ने दो, एक मिनट के लिए। ठीक है, एक मिनट हो गया। श्यावची, तुमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे, मैं भी एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। रुक जाओ, लाओ। ए फांगले, तुमने बहुत पी लिया, चलो मेरे साथ, इधर आ जाओ। रुको, मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा पक्का। इधर जाना। बाय बाय फांगली, बाय बाय। इंतजार करना मेरा। हाँ। मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ, वो मैं ऊपर से लेकर आती हूँ अभी। हाँ, छोड़ो मुझे। तुम ही तो मेरा गिफ्ट हो।
अरे जाने तो, मुझे लेकर आने दो। जाओ मुझे छोड़ के, कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, कहीं मत जाना मुझे छोड़ के। मत जाओ, नहीं जाऊंगी, डरो मत, मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाग गए तुम? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं चाहता हूँ हर सुबह मैं इसी तरह तुम्हें देख पाऊँ। मैं भी। तुम्हारा स्पेसशिप बहुत जल्दी आने वाला है। पूरी रात में सोचती रही कि मैं रुक सकती हूँ क्या? नहीं रुक सकते, तुम्हारा वापस चले जाना ही बेहतर है। भूख लगी है? वो ड्रिंक बना दूं तुम्हारे लिए? बिल्कुल नहीं। पी लो।
क्या हुआ? मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। जैसा तुम करोगे मैं वैसा करूंगी, जो तुम बनाओगे मैं वही खाऊंगी। सचमुच? तो जाओ जाकर फिर से मेरे लिए दूध ले। जब स्पेसशिप आएगा तो क्या होगा? शायद पहले हवा चलती है, फिर उसके बाद स्पेसशिप नजर आएगा। चलो। मुझे नहीं जाना, मैं पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सरवाइव करना है। मैं तुम्हें बचा भी लूं अगर तो यहां तुम्हें रख नहीं सकता। पर ऐसा क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बेवकूफ, बहुत प्यार करता हूं मैं। एक बहुत पुरानी कविता है, सिर उठाता हूं चांद देखता हूं, झुकाता हूं तो गांव। जब तक तुम यहां रहोगे और जब जब आसमान देखोगे तुम्हें अपना घर याद आएगा। तुम्हारे सब लोग वहां हैं, यहां रहोगी तो सिर्फ एक एलियन ही रहोगी। चलो। भाई, शावची को बोलो यहाँ देखे, यही मेरा फेयरवेल गिफ्ट है। तुम्हें पता है हम लोग डर गए थे? भाई, बैलून से डर गए आप? क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? ये क्या गिफ्ट लेकर आए हो तुम मेरे लिए? खास नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन फिल्मों की तरह तुम्हारे लिए कुर्ता हुआ घर चाहता हूँ। और एक बात, तुम्हारे साथ स्पेस में भी चल सकता हूँ। ऊपर चढ़ने में काफी दिक्कत हुई है, देखो हाथ भी लाल हो गए। तो हमें परेशान करने का पूरा प्लान बना लिया था तुमने। वैसे आपके परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो शाओची से मिलने आया था। बताओ कैसा लगा? हाँ, अच्छा सरप्राइज था। हेलो सिक्योरिटी, एक टैक्सी बुलाओ तो। टैक्सी किसके लिए मंगाई है? यहाँ आओ तो। भाई क्या कर रहे हो? बहुत सारे बैलून अभी फुलाने रह गए। ड्राइवर, इस आदमी को मेंटल हॉस्पिटल ले जाके छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। भाई भाई भाई, क्या ये तुमने ठीक किया उसके साथ? ये सब चलता रहता है हमारे बीच। सच तो ये है कि उसकी ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि इससे एक बात का पता चलता है। और वो क्या? तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी या कहीं और। मैं बस यही बताना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी तुम रहोगे वही मेरा घर होगा।
मैं मेंटल पेशेंट नहीं हूं। इतना हैंडसम पेशेंट कभी देखा है तुमने? घर ले चलो, उन्होंने जितने भी दिए हैं मैं डबल दूंगा। अच्छा हुआ माँ आपने अभी फोन किया। अब आप ही इस टैक्सी ड्राइवर को समझाओ कि मैं एकदम नॉर्मल हूँ। पर तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम्हारे मामा ने कितनी मेहनत से तुम्हें सब दिलाया था और तुमने सब फांगलैंग को दे दिया। तुम जल्दी घर आओ, समझे? ये लड़का बिल्कुल पागल है। खुद ही देखो तुमने क्या लिखा है। हाँ, तुम्हारे काम की वजह से कंपनी को कितना फायदा हुआ और तुमने सारा क्रेडिट फांगलैंग को दे दिया। तुम्हारे मामा नहीं बचाते तो कंपनी प्रेसिडेंट पोस्ट से तुम्हें हटा दिया गया होता। मैंने सिर्फ वो लिखा जो सच था। कैसी सच्चाई? जब वो यहाँ था ही नहीं तो उसने तुम्हारी मदद कैसे की? अरेंजमेंट्स करके गए थे वो। मैंने जब से काम किया है उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उनकी हेल्प के बिना ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब फांगलिंग की एक चाल थी। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? भाई से कॉम्पिटिशन में कंपनी का नुकसान तो नहीं कर सकता ना। रिपोर्ट में अगर मैं लिखूंगा नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई का कंट्रीब्यूशन। सुनो, जब कोई जानता ही नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ तुम बाद में समझोगे, समझे? अरे माँ, कुछ बातें आप नहीं समझ पाती हो। भाई जैसा इंसान जहां भी जाएगा वहां सीईओ या प्रेसिडेंट ही बनेगा। फिर अगर अपने डैड और कंपनी को छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम? मुझे बस यही चिंता सताती रहती है। माँ, मैंने एक पेंट स्टूडियो में अप्लाई किया है। पता नहीं मुझे रखेंगे या नहीं। अगर उन्होंने रख लिया तो परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा। किस्मत आजमाऊंगा मैं अपनी। बेटा, क्या नई चीज आजमा नहीं चुके हो? हाँ नहीं, एक दोस्त ने कॉस्मिक पिक्चर बुक मुझे दी है। उसे देखकर मुझे पता लगा कि दुनिया वाकई में कितनी बड़ी है, कितने सारे ग्रह हैं, कितनी ऑप्शंस। अगर एफ ग्रुप छोड़ दें तो बहुत सारी कंपनीज हैं। छोटे से बिजनेस के लिए भाई से कम्पीट करने की क्या जरूरत है? खुले दिमाग से सोचूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। ली, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया। माँ, आपने ये सब मेरे लिए नहीं, औरों से बेहतर दिखने के लिए किया है। अपनी जिंदगी को आपकी इच्छाओं से जीऊं, इसमें मुझे कभी खुशी नहीं मिली। माँ, अंकल, कुछ चाहिए था मुझे। मुझे अकेला छोड़ दो और भाई को भी, खुद को भी थोड़ा सुकून दो। मैं जा रहा हूं माँ, बाय। ली, ली। प्लानिंग का क्या होगा? भूल जाओ, जो उसने कहा वो करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हैंड ओवर कर दो। तुमने कितनी सारी चीजें मेरे लिए खरीद ली। इतनी जगह तो स्पेसशिप में होगी भी नहीं। और ये जो कैटरपिलर्स फंगस तुमने खरीदे हैं ना, ये सब हम लोग नहीं खाते। तो तुम अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए दिखाना। तुम्हारे डैड के लिए इंपोर्टेड विस्की ले दूं? हम लोग जीन से बने होते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं। और ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है। क्यों खरीद ली तुमने? ठीक है, तो डायमंड या गोल्ड अपने लोगों को देना। मुझे लगता है वो तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे। काश ऐसा हो पाता। मैं बस चाहता हूँ वो मेरा उदार दिल देखे। चलो। मिश्रान, मेरे लिए हीरे सोने के जेवर का इंतजाम करो। कोई जरूरत नहीं है। मैं शाओची को गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शाओची उन्हें अपने साथ ले जाए। स्टॉप इट। किसी अच्छी जगह से लाना है। नहीं चाहिए ना। कमाल हो गया। सुनो, तुम्हारे प्लैनेट पे मौसम कैसे बदलते हैं? हमारे प्लैनेट पे साल में 12 सीजन होते हैं। स्प्रिंग सीजन में हमें पृथ्वी नजर नहीं आती और गर्मियों के मौसम में हमें तो तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं।
अरे कोई जरूरत नहीं, हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। चुपचाप चलो मेरे साथ। आप समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? ये कैसा है? सर आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये ड्रेस इनको सूट करेगी। अच्छा लगा? पैक कर दो। ओके सर, मैं इस ड्रेस को आपके लिए पैक करा देती हूँ। और ये भी? ये बहुत और है। ये भी? बस करो। अब मत लो ना। ये भी? ओके सर। बहुत हो गया। जो अभी दिए उन्हें अभी पैक कर दो, बाद में बाकी सब कुछ पैक कर देना। अरे ये बहुत खरीदी है, इतने में नहीं पहन पाऊंगी। सर क्या आप सच में सारे पैक करवाना चाहते हैं? मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम ये सब अभी पैक करवा दें। क्या हुआ? तुम पागल हो क्यों? इतनी मतलब? चीजें तुम क्यों खरीदते जा रहे हो? मेरे लिए पूरी दुकान खरीद ली। तो तुम इन्हें अपने दोस्तों को दिखाना ना। या। नहीं पहन पाओगी तो उन्हें दे देना। सच कह रही हूँ, मैं इनको नहीं चाहती। अरे मुझे करने दो ना। सच में बहुत है। देखो सर, हम इन कपड़ों को अपने महीने की सैलरी से भी नहीं खरीद सकते। चुप रहो, हमारी अपनी किस्मत है। क्या किस्मत है? जलन होती है मुझे इससे। मैं एक और ड्रेस ले आती हूँ। सच में मैं इन सबको नहीं पहन पाऊंगी। तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? एक एक करके पहन लेना। मैं इनको इनका शॉपिंग फॉर्म दे देती हूँ। सर यहाँ आपको साइन कर ले। सर आपने हमारे स्टोर से इतने कपड़े खरीदे हैं, तो आप मुझे अपना नेम कार्ड दे दीजिए, हम वो घर डिलीवर करवा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम इनको अपने आप ले जाएंगे। सर ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आपको ये कपड़े पसंद आए। जब नए स्टाइल आएंगे तो हम कोई आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर तुमने कांटेक्ट किया तो ये दुकान तुम्हारी सारी तोड़ के रख दूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? चाची बस करो। शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई। हाँ, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी बॉडी से जो हार्मोन आ रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। वेरी सॉरी। सॉरी सर। ये क्या कर रही थी तुम? क्या हुआ? स्टॉप 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 इट। तुम्हें इतना जेलस नहीं देखा, खुशी हुई मुझे। इस खुशी का क्या फायदा? ध्यान से सुनो, अगर तुम इसी तरह से दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे तो मैं क्या करोगी तुम? तो मैं तुम्हें ऊपर से डांट दूंगी। तुम्हें बटरफ्लाई के बारे में पता है? जब वो बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है ना, तो वो चारों तरफ ना तूफान आ जाता है। और अगर मैंने भी तुम्हें ऊपर से इसी तरह डांटा तो यहाँ भी बर्फ गिरेगी और तूफान आएगा। समझ गया मैं। कभी कभी मुझे लगता है तुम वापस नहीं आ पाई तो मैं क्या करूँ? तो फिर मेरा सिर्फ इंतजार करना, दूसरी गर्लफ्रेंड मत लाना। वो कहना तो मुश्किल है। You're so naughty, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें याद है हम यहीं पर मिले थे और यहीं पर? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, रहने दो। इट्स ओके, मैं कर लूंगा। सही चली गई, अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा मैं? चाची
क्या करूं मैं? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? इसके साथ तारे देखूंगा? ऐसे ही चली गई? वापस नहीं आ सकते क्या? प्लीज के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप एफ के सीईओ मिस्टर फांग, जिन्हें प्लेबॉय कहा जाता है। आज कंपनी वापस आ गए हैं और ग्रुप एफ के अंदर की उथल पुथल शांत हो चुकी है। एक अंदरूनी जानकारी के अनुसार फांग लैंग की भूलने की बीमारी ठीक हो गई है। अब वो कंपनी के प्रेसिडेंट है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार फांग लैंग चाय के कारोबार में निवेश करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे काफी अनुभवी मिस्टर फांग फायदा उठाना चाहते हैं अपने ही क्षेत्र में। बन गया? काफी अच्छा बना। इस पर शियोबू भी बना दो। ठीक है। भाई आप अच्छी ड्राइंग करते हो। डियर मीडिया फ्रेंड्स, हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आप मिस्टर फांग से हमारे न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो चीचा जो आपने बनाई थी वो काफी फेमस हुई, इसका नाम ची रखने का क्या उद्देश्य था? ची बहुत अलग शब्द है। अलग चीजें कभी कभी लोगों को पास ले आती हैं। मिस्टर फांग, आपको प्लेबॉय कहा जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से आपके बारे में कोई अफेयर नहीं सुना, तो क्या ये समझें कि अब आप सिंगल हैं? आपको लगता है मैं अभी भी सिंगल हूँ? इस बारे में हमें यकीन नहीं हो रहा। आपके आखिरी गर्लफ्रेंड एक डिलीवरी गर्ल थी। इस खबर ने एक बार काफी हलचल मचाई थी। हमें जानना है कि अब आपका रिलेशन कैसा चल रहा है। हम दोनों ठीक हैं। पर सर, खबर आई थी कि उन्होंने आपको डंप कर दिया है, क्या वो फेक न्यूज़ थी? अगर आप दोनों अलग नहीं हुए हैं तो आप दोनों साथ क्यों नहीं दिखते? क्या बात कर रहे हैं? अरे हमें तो यही खबर मिली थी। डियर कॉलीग्स, ये रोज की बात नहीं कि मिस्टर फांग की इच्छा हो हमसे बात करने की। आज की प्रेस रिलीज को स्मूथ रखने के लिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होंगे। आप सभी लोग सही हैं।
मेरा ब्रेकअप हो गया था, 2 साल पहले हुआ था ये, और मैं आज तक भी उसे भूल नहीं पाया हूँ। अरे ये तो झूठ है। ये मुझे तो सच लगा। आपने ब्रेकअप क्यों किया? अगर अब आपको किसी से प्यार होता है तो क्या आप शादी करेंगे? कोई जरूरी सवाल है आपके पास? मिस्टर फैंग, क्या आपने ये ड्रिंक बनाई ताकि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ जाए? यस। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाओजी है, और कुछ पूछना है आपको? शाओजी, अच्छा नाम है आपका। मेरे साथ डेट पर चलोगी? हो, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या हो गया? फोटो लो। क्या आपके लिए और कॉफी मंगाऊं? जरूरत नहीं, रहने दो। शाओची आई नहीं अभी तक? अजीब है, अच्छी खासी धूप में भी बादल गरज रहे हैं। शायद कोई ऊपर से गुस्सा कर रहा है। तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? जब अमेज़न में कोई बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो कहीं कोई तूफान आता है। इसी तरह ऊपर से कोई मुझे डांट रहा है तो बारिश भी हो सकती है, और गरज के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। तो फिर मैं उस लड़की को आने के लिए मना कर दूं? भाई, आप शाओची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? अगर उस रिपोर्टर लड़की को मैंने बीच में ना रोका होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पता है भाई, 2 साल से आप ये सब झेल रहे हैं, फिर आज ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग से सोचिए। दो साल सिर्फ तुम्हारे लिए 2 साल थे, मेरे लिए वो 2 सदियों की तरह थे। आप कहो तो उस रिपोर्टर को वापस बुलाकर लाऊं ताकि आप दोनों आपस में बात कर सको। जरूरत नहीं, मेरा प्लान सिर्फ उसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का था। हाँ? अब भाई, जानता हूँ आप तकलीफ में हैं। याद दिला रहा था कि शाओची ने और मैंने कुछ परफ्यूम्स तैयार किए थे, उनके फॉर्मूले आपको देने थे। या तो उनको प्रमोट कीजिएगा और या फिर स्टोरेज में डाल दीजिएगा, बेहतर होगा। एक बार अकेले में सोचिएगा फाइनली क्या करना है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। यही है लेवेंडर रॉ मटेरियल एरिया। शाओची ने इसको डेवलप किया था और बहुत सारी चीज़ें इसमें डलती हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। क्या हुआ भाई? थोड़ी देर में पेरिस की फ्लाइट है, कुछ दिल की बातें आपसे कहना चाहता था। क्या अभी कह सकता हूँ? हाँ। वापस आकर मैंने बहुत सोचा, ऐसे अकेले रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। शाओची अगर वापस नहीं आई तो आप तो भाभी लाने से रहे। पॉइंट की बात बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे कई साल छोटी है वो। एम्बेसी में काम करती है, स्टेट ओन्ड वर्किंग यूनिट है। आपको कैसा लगेगा अगर एक डेट हो जाए उसके साथ? ठीक है। इतने आराम से मान गए, उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। क्या जरूरत है भाई, कितने बदल गए हो आप। शाओची को पता चलेगा तो वो वापस आकर आपसे लड़ेगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि वो वापस तो आ जाए। आपकी बातें आज भी इरिटेटिंग है। क्या आप इस समय परफ्यूम प्रोडक्शन एरिया में घूम रहे हो? अजीब बात है, वो लड़की भी आपके पास ही है। तैयार हो जाइए, आने वाली है वो, बस आने वाली होगी। मास्टर,
यहाँ कोई जगह है जहाँ फ्रेश हवा हो, थोड़ी शांति हो? मुझे मिलना है किसी से। हाँ, इस तरफ आइए। ये भी हमारा रॉ मटेरियल एरिया ही है, अब मुझे चलना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तुम्हें शिवची? और कितना गुस्सा मैं तुम्हें दिलाऊं कि तुम वापस चली आओ। बहुत दिन हो गए। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं हूं तुम्हारी प्यारी सी शिवची। मेरा मोबाइल क्यों छीन लिया? मुझे वापस दो। उसके लिए तुम्हें चुप रहना होगा। पहले वो मुझे वापस चाहिए। तो यहाँ आके ले लो। वापस दे रही हो या नहीं? तुम पहचान रहे हो ना मुझे? तुम्हें भूल कैसे सकता हूं शिवची? मैं तो बस सोच रहा हूं कि यह सपना तो नहीं। पता चला यह सपना है। सपना ही लग रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम मेरा अपॉइंटमेंट लेटर चेक करो। ये रहा, ये है मेरा लेटर। इसमें लिखा है किलिस्का कुसो लाकालाका नंबर 7 जो अर्थ पे भेजी जा रही है केप टाउन प्लैनेट की एम्बेसडर के रूप में। उम्मीद है कि वो हमारे विश्वास पर खरी उतरेंगी। अब तुम्हें समझ आया? मैंने इसे तुम्हारी भाषा में ही ट्रांसलेट करके सुनाया है। कॉस्मिक फ्रेंडशिप को ध्यान में रखते हुए तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा। वो वेलकम होम। हाय, जहाँ तुम रहते हो वही मेरा घर है।